कोरोना टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सूरज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कलवा में कोरोना के मरीजों के आंकड़े हर दिन नए नए सामने आ रहे हैं और ऐसे में खारे गांव के समीप कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन कब बनेगा और कब कोरोना सेंटर में मरीजों को एडमिट किया जाएगा, ये सवाल उठ रहा है। आज इसी मामले को लेकर बीजेपी के मनोहर सुखदरे व कार्यकर्ताओं के साथ खारे गांव कोरोना सेंटर का दौरा किया तो उन्हें 70% ही काम अभी तक पूरा नजर आया है और उनका कहना है मुमरा में एक महीने के भीतर कोरोना सेंटर बनाया गया तो कलवा में 3 महीने बीतने को है मगर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर मनोहर सुखदरे ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। जी, मुद्दा ऐसा है कि कलवा मातृभूमि मैदान दत्तवाड़ी यहाँ पे जो कोविड 19 हॉस्पिटल जो 3 महीने से उसका काम शुरू है, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सब ठंड कलवा के पदाधिकारी हम लोग अंदर जाके सब उसका मुआयना करके आए और जब हम लोगों ने अंदर देखा कि अब तक अंदर जो काम शुरू है वो 60-70% काम हुआ है और लगभग 30-35-40% काम अभी भी होना उसमें बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग ने सचिन जी बोरसे साहिब गायक, उपायुक्त मनीष जी जोशी और हमारे आमदार निरंजन जी डावकरे जो ठाणे शहर के अध्यक्ष है उनको हमने एक लेटर भेजा है और लेटर के द्वारा हमने मांगनी की है कि ये कोविड 19 सेंटर जो है जो करोड़ों रुपया खर्चा करके आज के तारीख में शुरू नहीं हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। लगभग हमने देखा कि 450-500 बेड का ये कोरोना सेंटर चालू हो रहा है और ये शुरू करने के लिए जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, हमारी मांगनी है। अगर हम लोग आज देखेंगे कि ठाणे शहर में रोज का जो हम लोग को अपडेट आ रहा है उसमें कोरोना के जो पेशेंट्स है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारा जो पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है। अगर हम लोग उस फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर ठाणे शहर में 400 पेशेंट अगर रोज के आ रहे हैं तो उसमें से 50% पेशेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और रह गए 200 पेशेंट, अगर ये 200 पेशेंट ठाणे शहर में अन्य 5-6 सेंटर पे अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर ये कोरोना सेंटर का या हॉस्पिटल का जरूरत है क्या, ये हमारी प्रश्न है और ये हम लोग सरकार ये ठाणे महानगर पालिका को पूछना चाहते हैं। क्योंकि 27 जुलाई को कलवा प्रभाग समिति के सहायक सचिन बोरसे साहब ने एक मुलाकात में कहा है कि हम लोग 10 दिन में शुरू करेंगे, आज हम लोग पकड़ो 27 जुलाई से अगर उन्होंने कहा है आज 15 अगस्त होने को आई, लगभग 20-25 दिन हो गए, फिर ये कोरोना सेंटर हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू हो रहा है, फिर 10 दिन में शुरू होने वाला था तो क्यों नहीं शुरू हो रहा है, फिर हमारे कलवा के मुमरा के और दीवा के जो पेशेंट निकल के आ रहे हैं उनको कहा थाना में जाना पड़ रहा है। अगर करोड़ों रुपया खर्चा करके ये सेंटर जो बना रहे हैं तो उसका फायदा यहाँ के स्थानीय कलवा मुमरा और दीवा और लोग आजू बाजू के लोग जो रुग्ण हैं उनको मिलना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी शुरू करो, ये हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट की है। अगर हम लोग देखेंगे कि मुमरा में भी ये कोविड 19 का हॉस्पिटल बनाया है और वो बनाने के लिए 1 महीने के अंदर वो बन चुका है। अगर हम लोग देखेंगे कि मुमरा में कोविड 19 की पेशेंट की रुग्ण संख्या लगभग 0% पे आ चुकी है, अगर वो 1 महीने में बन सकता है तो ये कलवा मातृभूमि का जो मैदान है, मैदान में जो सेंटर ओपन हो रहा है उसको 3 महीना क्यों लग रहा है, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। अगर साहिब भाई बोल रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा तो आज 25 दिन हो चुके हैं तो क्यों नहीं बन रहा है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है।